हीरा गोल्ड के मुताबिक एक तजियती बयान, इससे मेरा न कोई मतलब है न कोई वास्ता है, लेकिन मिलत इस्लामिया खसूसा हदीसों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में दीनी मौकफ क्या है, एक फाइंडिंग रिपोर्ट के सिलसिले में चंद सत्रें गुज गुजार कर रहा हूँ। हीरा गोल्ड कंपनी ने मुसलमानों और खसूसा हदीसों का अरबों का नुकसान किया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये आया है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए माशी मुश्किल हैं, अक्सरियत सुबह शाम का खाना मुहैया करने के लिए हाथ पैर मार रही है, तालीमी और दीनी इदारे चल नहीं पाते, मरीज बिस्तरों पर तड़प रहे हैं, और बदनसीबी का हाल यह है कि अरबों का एक लीडी फरार करती है। इस फरार में उलमा इकराम उसका भरपूर साथ देते हैं। सब कुछ खत्म हो गया मगर अभी उसकी लूट के माल के मुतफिद होने वाले उलमा इकराम या तो चुप्पी साधे बैठे हैं या बेजा हिमायत करते हैं, और कुछ ऐसे आधा इस्लाम के दलाल हैं जो ऐसे मौक़ों पर फसाद फैलाने में माल खींचने में लगे हुए हैं, तो नॉन स्टाफ नॉन सेंस होते जा रहे हैं। फरार लेडी और उसके फरार में शहीद सारे मुजरिम मिल्लत इस्लामिया के भयानक मुजरिम हैं। मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए बहुत बड़ा अलमिया है, मगर अभी हकाई तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इससे पहले अलफरा और अल्फात वालों ने इस्लामी सरमायाकारी और हलाल कमाई के हवाले से सूद खाया और खिलाया। इस वक्त भी हर मसलक के लोगों ने बिना समझे जाने उनकी तायद की। इन फरारियों ने मुसलमानों को अरबों का नुकसान पहुँचाया, एक दहाड़ दे चला गया और एक लंदन भाग गया। माशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर हिंदुस्तान के मुस्लिम तबके के साथ बार बार ये तमाशा होता है, और बार बार उलमा इकराम इन तमाशों और फरार का भरपूर साथ देते हैं। और वलन इल्म शोर और आगही की वजह क्यों फरेबकारियों की तायद की जाए, दूसरे गलती को तस्लीम क्यों नहीं किया जाता, सो मुजरिमों को किसी तरह की सजा क्यों नहीं मिलती। अयार लोग दिन को हमेशा एक किसाब जर का जरिया बनाते हैं। बर सगीर ने जब मिर्ज़ा गुलाम बरतानिया कादियान ने मिर्ज़ा गुलाम बरतानिया कादियान ने अपनी मक्कारी शुरू की, तो बर सगीर के हर तबके के लोग साथी ने वर्मा असरिया नवाब शुक्रा तालीम याफ्ता उसके हमनवा उससे मुतासर मौलाना आज़ाद के भाई कादियानी बन गए और कादियानी फौज के खुद मौलाना आज़ाद के कादियान पहुँचे। मिर्ज़ा गुलाम के मेहमान बने, कई लोग वहाँ रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इस मक्कारी आदम को खंधे से बचा लिया। उसकी मकबूलियत को देखते हुए इस्तेमाल उसकी माली वजन के फरज शुरू की, उसके साथ फजर मारुद्दीन मोहम्मद अली हकीमुद्दीन अली करीम और अमरोही को दबा दिया। जमिया सैयद नज़ीर हुसैन और उनके शागिर्द मौलाना मोहम्मद हुसैन बटाली ने उसको भांडा फोड़ा, तब लोगों को होश आया। अगर अल्लाह ताला ने इन दोनों हजरात को इब्तदा में उसकी सरकूबी के लिए अपने करम खास से न लगाया होता तो अजीम गुमराही फितना फैलता। नौहरा का हलाल कमाई इस्लामी सरमाया इस्लामी तजारत का नारा शुरू से ही वहाँ एक फराड़ था। उसने कभी सही बात नहीं बतराई नहीं कि उसकी कंपनी कैसी है, उसके क्या क्या मनसूबे हैं, उसके उसूल जाते क्या हैं, न ये साफ किया कि उसकी कंपनी ने मुल्की मालियाती कानून तकाजों को पूरा किया है। कंपनी जवाबी के मुताबिक उसने कंपनी सेटअप की है। उसने कभी सालाना हिसाब किताब की सही रिपोर्ट नहीं रोजमर्रागर्मियों से सरमाकारों को बाखबर किया, झूठ धोखा फिर तसलियाँ फिकमादे दीन ईमान का हवाला। इसी तरह उसने न कभी इस्लामी तजारत पर कार्बन नदी कंपनी के इस्लामी उसूलों की खबर दी, ना प्रोपेगेंडिक बुनियाद पर पब्लिक तवज्जो मौजूद करने में हर तरह के अहकाम भी इस्लाम के इस्तेमाल किए गए। उसने एक आम आदमी की तरह तजारत फरार की इतला की, लोगों से ज़्यादा उसे कामयाबी मिल गई। उसे यह तक सुझाई दिया कि अंधे सरमाकारों के कसीर सरमाए की खपत कैसे हो, इसीलिए इस जादूगरमी ने बेतहाशा पैसे को सियासत में खपाना शुरू कर दिया। हलवाई की दुकान दादाजी के खाते हैं सियासत में देती रही और आखिर उसकी सारी मालियाती सरगर्मी गैर मतवाजी हो गई। उसने जिस फरार का सिस्टम बना रखा था इन्वेस्ट का नफा देने का बिगड़ गया। उसकी तजारत की कोई बुनियाद रुखी नहीं, सरमाकारी करवाई साल के तरतीब के हिसाब से पुरकशिश नफा दिया, पैसे दिया आपसे लिया आपसे पैसे लिए, पैसे से 20% 30% देना शुरू किया। पुरकशिश तजारत का शोहरा हो गया, दूसरे सरमाकार आए, उनसे सरमाकारी हुई, उनके पैसे से पहले और दूसरे साल का सरमाया नफा एडजस्ट हुआ। पहले साल के सरमाकारों को 10%, दूसरे साल के सरमाकारों को 8% या 5% या जो भी जी चाहा नफा दिखाया। इसी तरह साल ब साल एडजस्ट होता रहा। जब सियासी धमाल में लूट का माल ज़्यादा रख गया, बैलेंस बिगड़ गया, धड़ाम से कंपनी नीचे आ गई। इनकम
के लिए हो सकता है डिवेंचर देती रही हो। डिवेंचर ये होता है कि शेयर बाजार में अगर किसी कंपनी के पास सरमाया ज़्यादा आ गया और किसी दूसरी कंपनी के पास सरमाए का बहरान हो तो 4 माह 6 माह के लिए 20% पर कर्ज दिया जाता है। यही काम अल्फरा अल्फाज वाले वो कसर करते थे और 4 माह 6 माह पर नफा देते थे। यही काम इस जादूगर ने किया होगा। कंपनी के बका के लिए सियासतदारी के इस सियाह कारनामे से कारनामे ने इस जादूगरनी को लटका रख दिया और अब थानों में छुट्टी फेंकी है। इसलिए इसी लूट और फ्रॉड में जो इसके इस लूट और फ्रॉड में जो मौलवी शरीक है वह इलमी अखलाक के अतबार से दिवालियाँ हैं या आखिरी दर्जा के भोले हैं, बिल्कुल अनपढ़ों की तरह कि इनके नारों पर कहीं भी सर झुका दे। या आखिरी दर्जे को मतलब परस्त हैं, पैसा कैसे कहीं से मिले ले लें और कुछ प्राइज के लिए तैयार। इस जादूगरनी को हीरो बनाने में चिफने चिल्लाने वाले करप्ट सरफिरे और समाज मौलियों ने आम रोल प्ले किया है। जमा सरमाए का ज़कात निकाल कर बिना सरमाए कानून की इजाज़त के जबरन चंदाबाद मौलियों को खूब डुबाया। खिदमत दीन जज से जरूर बिना मसाइल पेश इस काम से पब्लिक को लुभाया और इस्लामी तजारत में सरमाकारी करने के लिए उसके अंदर ज़बरदस्त आमादी को पैदा की। इंग्लिशी प्रवंडा मुहिम से मुल्क और बर मुल्क कसीर सरमाकार मिल गए। उनको धोखे में रखने के लिए बेशुमार आसमानी प्रोजेक्ट लोगों को फेरते थमा दी और लोग उसे सच्चे सच मानते गए। किसी भी मल्टी मिलियन बिलियन कंपनी के अपने तजारती तजुर्बे अखलाकियात कारिंदों की टीम होती है, ऑफिस गोदाम सरगर्मियाँ होती हैं, सब जमा गए। घर के चंद ही मुफादा भाई और खुद भी मुफादा मगर डॉक्टर अल्लामा ताहिर आलिमा फिलेंट्रॉफिक वेलफेयर का माहिर। शहरत नसब की हवस लूट के माल ने माल से इतनी बढ़ी कि लूट के माल के बलबूते एक्टर एक्ट्रेस मौलवी आलिम सब उसके सियासी स्टेज पर एक साथ और दाइया साहिबा होलियत जन हुमरानी जन की चैम्पियन और कैसी हुमरानी बेदीन शुक्ल हुकुमरानी। हैरत होती थी कि दुनिया कहाँ जा रही है, मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, अलजीज कहाँ जा रहे हैं और अलजीज मौलवी कहाँ जा रहे हैं। हीरावर कंपनी के बस में भी ईपी पैदा हुई। दोनों करप्शन के लिए लाजिम मंजूम, दोनों की ज़रूरत कि लूट और करप्शन को ताकुर मिले। जैसा कि अर्ज किया कि अफराद के सरमाए की खपत के लिए सियासी पार्टी बनी। कुरान ऊँची थी मुसलमानों के खून की सरदार सियासी पार्टी को जिताने मुस्लिम और काटने और कंपनी को ताकुद हासिल करने और शहरत हासिल करने के लिए हातिम ताई की बेटी ने हातिम ताई के कब्र पर लात मार दी। मगर न पता ही मिला न मिसाले सनम। इधर सियासी इशगाल से सरमाकारी का बैलेंस बिगड़ा, सरमाकारों की जारी पेमेंट रुकी और वहम शुरू हुआ और कच्चा चट्टा सब बाहर आ गया। उधम शुरू हुआ और कच्चा चट्टा सब बाहर आ गया। अब थानों हमारा अपने बंदी जिनकी सजा है पब्लिक से नहीं छिपाने का आसान बहाना। इस्लाम के नाम पर फला से शफक शुरू हुआ और इंतहाई मुसलमानों के खून के सदाओं के साथ मोहब्बत और रफाकत कर कहाँ आलिमा फाजिला दाइया और कहाँ फरार छूट चट्टा शहरत रूट लूट और मुसलमानों के खून के पैसे जालिमों की दलाली और मिलत के साथ बताई। इस फराड खातून को उसी दर्दनाक अंजाम तक पहुँचने में सारे आलिम फाजिल फासिल फाजिल बिकाऊ चोर मदवा आई एस एस के कुत्ते और कुत्तों के कुत्ते जो उसकी ताई में रात में घूमते रहे भरपूर हिस्सेदार हैं। सारे के सारे सरमाकारों हिंदुस्तानी मुसलमानों की मुहिम है। तनसिकों की काफी बीमान देखने वाले महसूस नहीं करते कि इस नवाही करप्शन से किस तरह मुसलमानों को मानवी मानवी नुकसान हुआ। कंपनी का सुकूत हो चुका है, माओवादी सुकूत क्या होना चाहिए। जमेज कंट्रोल का अगर कोई एक तार भी मिल सके तो उसे पकड़ कर हकीकत पर पहुँचना चाहिए और कोई हकीकत पसंदी का यही तकाजा है। सरमाकारों की एक गुटबंद बननी चाहिए। सिर्फ एक गुटबंदी की गुंजाइश नहीं है, उसके जिम्मा ये काम हो। फैक्ट फाइंडिंग कंपनी बने और एक कमेटी बने और एक तफसीली रिपोर्ट वगैरह उसकी कंपनी उसकी पार्टी उसके उसकी गलत करप्ट सरगर्मियों के मुताबिक पब्लिक के सामने आए। साथ ही उसके मोई सारे मोहित नाम भी डॉक्यूमेंट में आए। मुमकिन हद तक सरमाकारों के सरमाए की रिकवरी की कोशिश हो, सरमाकारों की मदद और अंजुमन नुहरा से सारा बचा सरमाया वापस ले, जितना बचा है सरमाकारों के सरमाए के हिसाब से उन्हें वापस लौटाए। नुहरा और उसकी कंपनी के खिलाफ फरार होने में मुकदमा शायद है, गवर्नमेंट से मुतालबा करें कि उसे भरपूर सलाह मिले। मौलियों से मुतालबा करें सरमाकारों मुसलमानों के सरमाकारों के अंजुमन में लिखित माफ़ी मांगे। मौलियों को जो लूट के मार से हिस्सा मिला हुआ उसे रिकवर करने के इंतजाम करें। उसे सारे मूल्यों के बारे में पब्लिक में ऐलान हो, उनका मुकम्मल बाइकाट हो, उनसे किसी तरह का दिए काम मिलना हो, उनके एतबार करारों का नुकसान और ये इतने बोधे साबित हुए कि उसकी 100% सुखोरी जुआ सट्टा और बाहियत की 100% तारीफ करते रहे। पब्लिक शुरू में
नफा के नाम पर इसे मतलब फीसद नफा वसूलती रही और नफा के नाम पर उन्हें कंपनी देती रही दे, उन्हें कंपनी देती रही क्योंकि यहाँ मजारत की कोई शक्ल इस वक्त जब ये मान कर चला जा रहा था कि हीरा गोल्ड कंपनी एक कायम मोतबर कंपनी है, सब एक तरफा था, इसे नफा की हैसियत बैंक में सेविंग अकाउंट में मिलने वाले सूद की मानी होगी, लेकिन अब जबकि फरार वादे हो चुका है तो सरमाकारों को नफा के नाम पर मिली रकम ये तस्वर होगी कि एक डाकू ने उनकी लूटी हुई दो रकम होगी हिस्सा उसे लौटा दिया है। सरमाकारों को गिरा जाने मुझे और मतवर अलमा की टीम की तरफ रुजू किए बगैर कहीं किसी के फरार में मलबूत नहीं होना चाहिए। छोटे भैया स्टेट में उदार होने वाले गवैयों का फसल किसी भी फंसने में भरोसा नहीं करना चाहिए। इस लूट के गुनाह में हमारा के साथ मुस्तैद करने वाले सारे मोलमा और घरवलमा शरीक हैं। कंपनी के सपोर्ट के बाद उनकी तायद करने वाले वर्मा की मुतवली सफात और शहादत की तारीफ शराम खत्म हो चुकी है। इस्लामी निज़ाम होता तो उनकी उनको वज़ाइन को जमे के जमरे में धकेल दिया जाता या बुलबुल मुबसलिम के जमरे में। बहुत से लूटे लोटे और दुश्मन इस्लाम के एजेंट अब भी शोहरत सस्ती शोहरत के लिए चंद सिखों के लिए या आकाओं को खुश करने के लिए भूखे जा रहे हैं। उनको इस हकीकत को भी पता नहीं कि जब कोई कंपनी डूब जाती है तो उसकी सारी हैसियत खत्म हो जाती है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती है। सिर्फ इतना ही रह जाता है कि मुजरिम को जेल भेज दिया जाए, जिस तरह मुमकिन उसे सरमाकारों से सरमाया को रिकवर करा लिया जाए। सरमाए की रिकवरी बाकी मादा केस के तौर पर या सरमाकारों के पैसे से बनाई गई जायदाद को बेचकर। अभी मीडिया में मुआफ़ी मुखालिफ बयान आते हैं, ये दरअसल जल्दबाजी की चाल है कि बुकाऊ लोगों को जनसबके देकर सरमाकारों को उलझा दे और थाने के हवालात में बैठ कर दूर से तमाशा देखे। बिकाऊ लोगों के लिए क्या है, वो कुत्तों की तरह कहीं भी हटी के लिए पहुँच जाते हैं। ये तो मेरा सरमाया बिजनेस करते हैं, बस अपना बेजमीन अपना बेजमीन जमीन सस्ते दामों में देते हैं। उनका ना दूर दूर से तकलीफ है ना दूर दूर से जुलूम है। ये फराड़ मिलने का बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन तायद करने वाले ऐसे महसूस करने वाले और बार गहरा में दुआ करने के बजाय चुपके से बैठ गए हैं। सरमाकार लाचार है, गरीब हो या अमीर आज यतीमों की तरह घूम रहा है। सारे मौलवी गायब हैं, उनके जख्म पर कोई ख्याल रखने वाला नहीं, उनको पसंद देने वाला नहीं। हम कभी सोचते हैं कि मुस्तकबिल में मौलिक हमारे अल्लाह का काम हो रहा है लिखेगा तो क्या लिखेगा। हर फितने की गाड़ी के कुली बन जाते हैं, नए की फितने के कुली ये बने, असगरी फितना तो थोड़ी ये हैं और छः तनोही फितना को परवान न चढ़ा। पब्लिक बेचारी रहनमाई के लिए कहाँ जाए। डॉक्टर फजलुर्रहमान जैसे मुफ्ती नोहरी फितने को के मोईद बनकर और मोईद बने मुहासिबा को आए बाए उनके लिए मुफ्ती भी और उनकी कंपनी में इन्वेस्टर भी इस मोतबरी की नाम मोतबरी पर किस तरह उभारे जाए ये सब बीत जाने पर भी खतरों का एहसास नहीं। पब्लिक खोल कर देखती कि जब मोदी का भरम उनको उतर चुका था, जब उसने मिस्की मोदियों की मौजूदगी में बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों की स्टेट पर इकराम नानों इकराम से नवाजा था, वो आज़ादी निस्मा हुक्मरानी निस्मा की पार्टी बनाई थी और जन्मों के पीछे नकाब उठा दिया था, उस वक्त इस पर मौलवियों की फिलहत खत्म हुई थी बल्कि जन्मों से उनके हौसलों में इजाफा हुआ था। इस वक्त भी पब्लिक को जादू करने की हकीकत जान लेनी थी। जब मोदी की पदयादम तस्वीरें पूरे सफात में इंग्लिश उर्दू हिंदी अखबारों में पार्टी व कंपनी की तरफ से हिमायत में छपवा दी थी और अफसोस हमारे ये कि दोनों किसी को इस बात का भी एहसास ना था।